कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम और जी। मौलाना साहब से एक बात मुझे पूछनी थी कहाँ से आप, कि कहाँ से बोल रही हैं? लामा जी, मैं यूके से बात कर रही जी 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 बहन, क्या कहेंगे आप बताइए। हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं, लामा साहब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी, इनकी मैंने जारे मजलिसे भी और जो इस वक्त खुशियों के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी सब चीज कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है ऐसी हुई है जिसकी वजह से बड़ी ग्रुपों में वो हो रही है इनके बारे में बातें, तो उसको कहिएगा प्लीज आप क्लियर कर दें कि वो जो ज्यारतों के बारे में जो बात हुई है कि वो बहुत सारी फीसें देनी पड़ेंगी, ग्रुपों के साथ जाना पड़ेगा, तो उसको प्लीज उसको तशरीह करें और लोगों को बताएं कि क्या है असल बात। वो तो ज़ियारत के उसके हवाले लिए से मैंने कोई किया मसला है कि था। मतलब ज्यारतों पाकिस्तान से लोग जी? जाएंगे तो गुरबा तो फिर ज्यादा तो जा ही नहीं सकते। जिस तरह से फीसों का उन्होंने बताया है कि कितनी कितनी फीस हुआ करेगी उसकी, तो वो कैसे जाएंगे ज्यारतों पे? हमारे मैं तो दो बहुत बातें करूंगा। पहली बात जाते तो ये कि पहली बात तो ये जमा पूजी करके थोड़ी सी जी और उसके बाद वो जाते करके आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह लामा साहब ने कोई जी हुकूमत से मुआवजा किया है कि इसी तरह नहीं से मतलब किया, नहीं ज्यादा किया उसकी जाएंगे। तरदीद। नहीं, वो तरदीद कर रहे हैं कि कोई मुआहदा नहीं किया है, वो तरदीद कर रहे हैं अभी भी। ये सुन लीजिए आप चाहे बोल बंद करके अच्छा, सुन लें। थैंक यू वेरी मच, जी तरदीद बहुत बहुत कर शुक्रिया। मुझे बहुत इस चीज की फिक्र हो रही थी, तो जी अल्लाह ताला ने देखिए मुझे मुहैया कर दिया उनसे पूछने का परवरदिगार। जी 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 ऐसा टुमला, क्या कहेंगे आप? बहुत जी शुक्रिया भाई, बहुत देखिए, शुक्रिया। अब से 1.5 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी, तो क्योंकि हमने इनके लिए बहरहाल अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था, जी और उसकी बुनियाद वो पर हमने जी बाबुल इल्म में आके इमाम जामनी बंधवा के गए थे आपसे, खैर से जी तो उसमें जो हमने कौमी मसाइल इनके सामने रखे थे, उसमें मिसिंग पर्सन का मसला था, उसमें आयली कवानीन बराए फिक्हे जाफरिया का मसला था, उसमें हमारी अपनी यूनिवर्सिटी का मसला था, उसमें एक मसला जायरीन के मसाइल का था कि सही जायरीन के मसाइल हल होने चाहिए। मसलन बॉर्डर पे जो मसाइल होते हैं, जो जायरीन ईरान इराक शाम में जाके परेशान हो रहे होते हैं, काफला सालार बाज ले जाके उन्हें छोड़ देते हैं, क्या मुश्किल और मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो हमने कहा था कि वो मसले हल होने चाहिए। तो बहरहाल मैं तो एक हूं उनमें, और भी हमारी शख्सियात यही बात करती थी, और उसके नतीजे में एक ज्यारत पॉलिसी मुरतब की जाने लगी कोई तकरीबन 1 साल पहले। ज्यारत पॉलिसी की जो नशस्तें हुई उसमें हम शरीक रहे, हमने मुजवजा पॉलिसियां भी लिख कर दी, अपने आरा अपने मशवरों को भी लिख कर दिया। साथ में मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मारूफ काफला सालारों को बुलाकर मशवरा करें, ताकि वो माहिर हैं, तजर्बेकार हैं, वो आपको अच्छे मशवरे देंगे कि मसाइल क्या हैं, जब मसाइल सामने आएंगे तब पॉलिसी अच्छी बन पाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही गुजारिश पर पाकिस्तान के 26 मशहूर काफला सालारों को इस्लामाबाद में वजारत मजहबी उमूर में बुलाया गया, और उस नशिस्त के अंदर उनसे मशवरे लिए गए। अब गुज़िश्ता 15 दिन पहले, 15 दिन पहले वफाकी काबीना वजारत वुजरा की काबीना में, वफाकी हुकूमत की काबीना में जो एजेंडे रखे गए थे, उनमें एक एजेंडा था ज्यारत जायरीन ईरान इराक और शाम की पॉलिसी, ये एक एजेंडा था। मगर वो जो पॉलिसी मुरतब की गई उसको पेश करने से पहले ही तवज्जो दिला दी गई कि उसमें 3-4 बातों की कमजोरी है। मिन जुमला जायरीन के लिए किसी टैक्स का लागू करना उनके ऊपर, मिन जुमला इनफरादी वीजे का ना मिलना, मिन जुमला तादाद को महदूद करना, तो इस तरह की कुछ बातें। और उसके अलावा जो 10 फायदे हैं वो मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जो 3 कमजोरियां थी या 2 कमजोरियां थी उसमें निकात की, वो जब तवज्जो हुई हमारे साहिबान इख्तदार लोगों की, तो उन्होंने कहा हम इस पॉलिसी को कैबिनेट की मीटिंग में पेश नहीं करेंगे और हम इसको बेहतर करके पेश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उस पॉलिसी को मौखर कर दिया कि इसको ठीक करके लेकर आओ। अच्छा, वो क्योंकि एजेंडे में बात थी कि बात होनी है, मगर उस पर बहस ही नहीं हुई, उसे मौखर कर दिया गया। तो एक निजी टीवी चैनल ने, किसी चैनल ने भी खबर नहीं चलाई, सिर्फ एक चैनल ने इसको खबर के तौर पर, जफर भाई इस पूरी बात को मैं चाहूंगा कि मैं कर लूँ जी, मैं अभी कॉल को मैं वेट करा रहा हूँ, आप पूरी बात कर लीजिए। जी, तो एक एक टीवी चैनल ने वो खबर चला दी और के जी ज्यारत पॉलिसी बन गई।
अच्छा वो ज्यारत पॉलिसी जो तहरीरी सूरत में लोगों ने व्हाट्सएप पर इधर उधर घुमाई, ना उस पे हुकूमत पाकिस्तान का कोई लोगो है, ना किसी वजीर की मोहर है, ना कोई रस्मी लेटर पैड के ऊपर वो है। वो चंद कोई भी लिखकर वो नुकात चला सकता है, घुमा सकता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी, उस पर बहस ही नहीं हुई, उसे मौखर कर दिया गया। मगर एक खबर की बुनियाद पर मुझे अफसोस है अपने ऊपर कि हमारी बाज़ शख्सियात ने उसके पर तकरीरें कर दी उसकी मजम्मत में। जब उसकी मजम्मत में तकरीरें आप करेंगे कि हम इस पॉलिसी को नहीं मानते, तो सीधा सीधा मेरे ऊपर मलबा गिर रहा था कि मैंने वो पॉलिसी पास करवाई है भाईजान। अल्लाह तो अल्लाह मैंने फिर हमने एक अपना क्लिप जारी किया मजबूरन, जिसमें हमने इस बात को वाजे किया कि वो पॉलिसी पेश ही नहीं हुई है। और एहतजाज तो जब होता है कि जब कुछ हो जाता, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और इंशाल्लाह अगर उन्होंने हमारी इन बातों का ख्याल नहीं रखा, यानी महदूद करने के हवाले से, जायरीन पर माली बोझ डालने के हवाले से, या वीजा इनफरादी वीजा न मिलने के हवाले से, अगर इन बातों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा पॉलिसी को फाइनल करते करते, तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम एहतजाज यार करेंगे, मुखालफत करेंगे। अल्फत जी करेंगे। जी ये हमारा क्लिप भी आ चुका है और हमने वाजे कर दिया है कि इंतजार हमने करो, वो गलतफहमी की वजह से हमारी बहन ने, जाहिर है उन्हें पता नहीं था कि ये सिलसिला क्या है, अब पूरी दुनिया में हैदर टीवी के तवस्सुल से चला गया। जी हमारे